नए साल के जश्न में कलंक लगाने वालों की तस्वीरें दिल्ली पुलिस ने जारी कर दी है। नए साल के जश्न के नाम पर छेड़खानी करने, रोकने पर पुलिस पर हमला करने और लोगों में दहशत फैलाने के आरोपी हैं ये तीन लोग। फिलहाल ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दिल्ली पुलिस ने जिन तीन नौजवानों की तस्वीरें जारी की हैं, उन पर 31 दिसंबर की रात नए साल के जश्न के नाम पर हुड़दंग करने, एक लड़की से छेड़छाड़ करने और पुलिस के रोकने पर सामूहिक हमले का आरोप है। सीसीटीवी फुटेज से इनकी पहचान की गई है और इनकी तस्वीरें निकाली गई हैं। दिल्ली पुलिस ने ये तस्वीरें जारी की हैं और जल्द ही इनके स्केच भी पोस्टर की शक्ल में इलाके में लगाए जाएंगे। इसे इलाके के कोचिंग सेंटरों, छात्रावासों और पीजी में साझा किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी के मुखर्जी नगर इलाके में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले दोनों आरोपियों की पहचान नहीं होने के बीच दिल्ली पुलिस अब स्थानीय लोगों की मदद से उनके स्केच जारी करेगी ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। इसके साथ ये फैसला भी किया गया है कि इलाके में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में छात्र रहते हैं जो सिविल सेवा, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं।